उसे साकीपियो के पास कोई भी जरूरत का सामान नहीं मिलता तो वो उन दोनों को छोड़ देने का डिसाइड करता है। लेकिन इससे पहले वो उन दोनों को अपने बारे में बताता है कि किस प्रकार पहले वो भी एक हेल्दी एग हुआ था। लेकिन एक दिन जब एक लेडी ने उसे अपने बॉयफ्रेंड को खाने के लिए दिया तो उसके बॉयफ्रेंड ने उस लेडी की तारीफ की, लेकिन उसने गलत नाम ले लिया, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में बहस होने लगी और गुस्से में उस लेडी के बॉयफ्रेंड ने मुझे नहीं खाया। और इसी तरह कई दिन बीत गए जिसकी वजह से मैं एक सड़ा हुआ एग बन गया। वहीं गुडेटामा इस मौके का फायदा उठाकर उस सड़े हुए एग के ट्रक को अपने कंट्रोल में ले लेता है। वहां पर बहुत सारी मक्खियां भी आ जाती है जो सड़े हुए एग की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी, लेकिन सड़े हुए एग से निकल रहे बदबू को वो मक्खियां भी सहन नहीं कर पाती और गुडेटामा के ऊपर हमला करने लगती है। यहां पर साकीपियो को प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कही गई एक बात याद आती है कि गुडेटामा की लाइफ जल्दी खत्म होने वाली है, जिससे उसे गुडेटामा की चिंता होने लगती है। अब साकीपियो जब गुडेटामा के बैग पर काले धब्बे को देखता है तो डर जाता है, क्योंकि काले धब्बे इस बात की निशानी थे कि गुडेटामा की लाइफ जल्दी खत्म होने वाली है। उसी रात को साकीपियो गुडेटामा के साथ उसी गली में जाता है जहाँ पर अंडरवर्ल्ड के लोग रहते थे, क्योंकि गुडेटामा ने साकीपियो को बताया था कि अंडरवर्ल्ड के पास एक ऐसा मैजिकल स्टोन है जिससे किसी भी सड़ रहे एग्स को ठीक किया जा सकता था। अंडरवर्ल्ड के लोग मैजिकल स्टोन की तस्करी करते थे और साकीपियो गुडेटामा के साथ मिलकर उनसे वो मैजिकल स्टोन हासिल करना चाहता था। साकीपियो और गुडेटामा की बात सुनकर पास में खड़ा एक बॉयल्ड एग उन दोनों को बताता है कि अंडरवर्ल्ड से दुश्मनी ना ले। वो साकीपियो को ये भी बताता है कि टेम्पर्ड एग नाम का एक एग अंडरवर्ल्ड का इंचार्ज है जो हर समय एक कैप लगा कर रहता है। और बातों ही बात में वो तीनों जल्द ही एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और जब बॉयल्ड एग देखता है कि गुडेटामा की बॉडी सड़ रही है तो वो गुडेटामा की मदद करने का डिसाइड करता है। इसके बाद वो तीनों एक एलिवेटर की मदद से एग अंडरवर्ल्ड की जगह पर आ जाते हैं, जहाँ पर अंदर जाने से पहले साकीपियो खुद को एक एग की तरह बना लेता है, क्योंकि उस अंडरवर्ल्ड में सिर्फ एग्स को आने की इजाजत थी। वहाँ अंदर आने के बाद वो देखते हैं कि वहाँ कई प्रकार के एग्स थे जो एक बहुत ही अच्छी लाइफ जी रहे थे। गुडेटामा जब एक वाइन की बोतल देखता है तो उसे पीने लगता है। साकीपियो उसे समझाता है कि वो अपने मिशन पर ध्यान दे। वहीं उन्हें पता चलता है कि जिस कमरे के अंदर मैजिकल स्टोन रखे गए हैं उस कमरे की हिफाजत दो सिक्योरिटी गार्ड्स करते हैं, इसीलिए साकीपियो गुडेटामा के साथ पाइपलाइन में से होते हुए उस कमरे तक पहुंचने का डिसाइड करता है। कमरे के ऊपर पहुंचने के बाद गुडेटामा अपनी फ्लेक्सिबल बॉडी की मदद से कमरे के अंदर जाने का फैसला करता है और साकीपियो बॉयल्ड एग के साथ ऊपर रहकर गुडेटामा के आने का इंतजार करता है। वहीं बॉयल्ड एग की बॉडी भी धीरे धीरे सड़ने लगी थी, इसीलिए गुडेटामा को कमरे में से दो मैजिकल स्टोन के पैकेट लाने थे। लेकिन इससे पहले कि गुडेटामा मैजिकल स्टोन के पैकेट को लेकर ऊपर आता, वहाँ की बिजली चली जाती है, जिससे साकीपियो भी बॉयल्ड एग के साथ कमरे में आ जाता है और वो तीनों पकड़े जाते हैं। अगले सीन में हम एग्स के बॉस को देखते हैं जो कोई और नहीं बल्कि एक एग्स का ऑमलेट था, और कपकेक उसे बताते हैं कि इन तीनों ने मैजिकल स्टोन को चुराने की कोशिश की है। अब यहाँ पर गुडेटामा अपनी फ्लेक्सिबल बॉडी की मदद से किसी तरह सेल से बाहर निकल आता है और जब ऑमलेट देखता है कि सेल में सिर्फ दो लोग ही मौजूद हैं, तो उसे कपकेक की बातों पर शक होने लगता है, क्योंकि कपकेक ने तो उसे तीन लोगों के बारे में बताया था। वो ऑमलेट बॉयल्ड एग और साकीपियो से वादा करता है कि जब मैजिकल स्टोन को चुराने वाले असली अपराधी पकड़े जाएंगे तो उन दोनों को छोड़ दिया जाएगा। अगले सीन में हम इनोई और सुजुकी को देखते हैं, जिन्हें पता चला था कि उस जगह पर कुछ ऐसे एग्स मौजूद हैं जो बोल सकते हैं और मूव कर सकते हैं। इनोई और सुजुकी ऐसे एग्स की मदद से अपने शो को हिट बनाना चाहते थे और जब वो पाइपलाइन में गुडेटामा को जाते हुए देखते हैं तो उसका पीछा करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ साकीपियो और बॉयल्ड एग भी किसी तरह भाग कर एक चाइनीज रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं, जहां पर वो देखते हैं कि सालों पुराने एग्स मिट्टी के किले में मैजिकल स्टोन को यूज करने की सजा काट रहे थे और इन्हीं लोगों ने मैजिकल स्टोन को चुराया था। साकीपियो उन सभी एग्स से मदद मांगता है, क्योंकि इस समय वो मुसीबत में थे और वो एग ऑमलेट उन्हें ढूंढ रहा था। वो सारे पुराने एग्स साकीपियो की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं और उसे मैजिकल स्टोन का वो पैकेट लौटा देते हैं, जिसे लेकर वो दोनों उस मैजिकल स्टोन के पैकेट को ऑमलेट को वापस कर देते हैं। वो ऑमलेट उन्हें बताता है कि ये मैजिकल स्टोन सिर्फ नमी को दूर करता है, लेकिन गुडेटामा और बॉयल्ड एग का मानना था कि मैजिकल स्टोन एग्स को सड़ने से भी बचाते हैं, क्योंकि वो दोनों मैजिकल स्टोन की मदद से पूरी तरह से ठीक हो गए थे। मिशन कंप्लीट होने के बाद बॉयल्ड एग साकीपियो और गुडेटामा से विदा लेकर वहाँ से चला जाता है और अब साकीपियो भी गुडेटामा के साथ एक बार फिर से अपनी मॉम की तलाश में निकल पड़ता है। लेकिन रास्ते में कोई व्यक्ति गुडेटामा को किडनैप कर लेता है और अपनी कार में बिठाकर वहाँ से चला जाता है। और अगले सीन में हम अनोई और सुजुकी को अपने ऑफिस में देखते हैं, जहाँ पर गुडेटामा भी था, क्योंकि इन्होंने ही उसे किडनैप किया था ताकि अपने शो को हिट करा सके। सुजुकी गुडेटामा से बात करती है और उसे पीने के लिए वाइन भी देती है,
लेकिन वही अनोई जब गुडेटामा से बात करने की कोशिश करता है तो उसे गुडेटामा एक नॉर्मल एक्स की तरह लगता है। अब यहाँ पर शो का हेड भी आ गया था जो गुडेटामा को देखकर बहुत खुश होता है और उसका अच्छे से स्वागत करता है। अनोई ये सब देखकर पूरी तरह से गुस्से में आ जाता है क्योंकि सिर्फ वही गुडेटामा को मूव करते हुए नहीं देख सकता था और ना ही वो उससे बात कर सकता था। इसके बाद अनोई सुजुकी के साथ मिलकर गुडेटामा के ऊपर एक स्टोरी बनाता है जिसे वो अपने शो में दिखाना चाहते थे, लेकिन इसके लिए वो इन्वेस्टर्स को कन्विंस नहीं कर पाते क्योंकि इन्वेस्टर्स की नज़र में गुडेटामा सिर्फ एक एग बाइट था। अगले सीन में हम सुजुकी को गुडेटामा के साथ बैठा हुआ देखते हैं और तब तक वहाँ पर साकी पियो भी गुडेटामा को ढूंढते हुए वहाँ पर आ गया था। साकी पियो जब सुजुकी को उस QR कोड को दिखाता है जो उसे पैदा होने के बाद फ्रिज में मिला था, तो सुजुकी उस QR कोड को स्कैन करके उस रेस्टोरेंट का पता लगा लेती है जिस रेस्टोरेंट का वो QR कोड था। अब क्योंकि साकी पियो को लगता था कि उस रेस्टोरेंट में उसे अपनी मॉम मिल सकती है तो वो किसी भी तरह उस रेस्टोरेंट में जाना चाहता था, इसीलिए सुजुकी अनोई को बोलकर गुडेटामा और साकी पियो को उस रेस्टोरेंट के बाहर ड्रॉप करवा देती है। वहाँ पर एक सेफ दरवाजे पर से गुडेटामा और साकी पियो को पिकअप करता है और जब वो उन दोनों का रेसिपी बनाने के लिए आग जलाने जाता है तो इस मौके का फायदा उठाकर साकी पियो गुडेटामा के साथ वहाँ से भागने लगता है। लेकिन जब वो दीवार पर लगी एक रेसिपी का पोस्टर देखता है तो पूरी तरह से डर जाता है क्योंकि वो एक चिकन की रेसिपी थी जिसमें साकी पियो को लगता है कि उसकी मॉम की डेथ हो चुकी है। साकी पियो जब सेफ को एक मूली काटते हुए देखता है तो जोर जोर से रोने लगता है क्योंकि उसे लग रहा था कि मूली उसकी मॉम की बॉडी है, लेकिन जब वो सेफ साकी पियो को मूली के बारे में बताता है तो वो शांत हो जाता है। अब साकी पियो जब सेफ से अपनी मॉम के बारे में पूछता है तो सेफ साकी पियो को फार्म में जाने को कहता है जो रेस्टोरेंट के पास में ही था और वहाँ पर शायद साकी पियो को उसकी मॉम मिल सकती थी। गुडेटामा सेफ से पूछता है कि वो एक एग को किस रूप में खाना पसंद करेगा क्योंकि गुडेटामा अब लगातार सफर से थक चुका था और एक एग रेसिपी के रूप में खुद की लाइफ को वो खत्म करना चाहता था। साकी पियो ये देख कर बहुत दुखी होता है, लेकिन साकी पियो के अंदर अभी भी उम्मीद की किरण बाकी थी और उसे पूरा विश्वास था कि वो अपनी मॉम से जरूर मिलेगा, लेकिन सफर को पूरा करने के लिए उसे गुडेटामा की जरूरत थी, इसीलिए वो किसी तरह गुडेटामा को खुद की लाइफ खत्म करने से रोक लेता है और वो दोनों एक बार फिर से अपनी मॉम की तलाश में निकल पड़ते हैं। रास्ते में एक बर्ड गुडेटामा पर हमला कर देती है और उसे अपने बच्चों को खिलाने के लिए अपने घोंसले में ले आती है। साकी पियो जब ये देखता है तो वो गुडेटामा को बचाने के लिए इलेक्ट्रिक पोल के ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगता है और काफी देर तक कोशिश करने के बाद आखिरकार वो उस पोल के ऊपर चढ़ने में कामयाब रहता है और किसी तरह वो गुडेटामा को बर्ड और उसके बच्चों से बचा लाता है। गुडेटामा और साकी पियो रात इलेक्ट्रिक पोल के ऊपर ही गुजारते हैं और अगली सुबह साकी पियो नीचे आने के लिए गुडेटामा को लेकर नीचे कूद जाता है। हालांकि गुडेटामा साकी पियो को समझाता है कि चिकन फ्लाई नहीं कर सकते, इसीलिए वो नीचे ना कूदे तो ही अच्छा है, लेकिन साकी पियो गुडेटामा की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और नीचे कूदने के लिए जंप लगा देता है। अब इससे पहले कि वो दोनों नीचे जमीन से टकराते, गुडेटामा अपनी फ्लेक्सिबल बॉडी की मदद से साकी पियो को एक सेफ लैंडिंग कराता है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से एक चिकन फार्म में आ जाते हैं जहाँ पर गुडेटामा की तरह बहुत से एक वाइट और चिकन मौजूद थे। साकी पियो सारे चिकन से अपनी मॉम और गुडेटामा की मॉम के बारे में पूछता है, लेकिन वहाँ पर उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता, जिसके बाद वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं कि एक लेडी कुछ नीले अंडों को इकट्ठा कर रही थी। गुडेटामा जब नीले अंडों को देखता है तो उसे याद आता है कि फ्रिज में वो जिस अंडे से बाहर आया था उसका कलर भी नीला था। उस लेडी से पूछने पर उन्हें पता चलता है कि उस चिकन का नाम काना है जो नीले अंडे देती है और वो लेडी उन्हें ये भी बताती है कि मैंने ही गलती से एक बार कुछ नॉर्मल एग्स के साथ एक नीले अंडे को बेच दिया था, यानी कि गुडेटामा की मॉम कोई और नहीं बल्कि काना है। ये जानकर साकी पियो बहुत दुखी होता है और रोने लगता है क्योंकि अभी तक वो अपनी मॉम को नहीं ढूंढ पाया था। अब उस चिकन फार्म का मालिक एक व्यापारी को गुडेटामा की मॉम काना को बेच देता है और जब साकी पियो को ये बात पता चलती है तो वो गुडेटामा को उसकी मॉम से मिलाने के लिए उस गाड़ी को वहाँ से जाने से रोक देता है और इस प्रकार गुडेटामा आखिरकार अपनी मॉम से मिल लेता है जिससे साकी पियो को बहुत खुशी होती है और इसके बाद गुडेटामा फाइनली अपनी जर्नी को खत्म करता है और खुशी खुशी चिकन फार्म की लेडी का खाना बन जाता है। इसके बाद हम साकी पियो को चिकन फार्म में कुछ चिक्स के साथ खेलते हुए देखते हैं और वहीं दूसरी तरफ काना एक और नीले एग्स को जन्म देती है जो कि नीचे गिरकर टूट जाता है और एक नया गुडेटामा पैदा होता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें।